बस हॉस्पिटल के लिए निकलने वाला हूँ। अभी स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी, ऑपरेशन है, स्टोन को निकालेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? तो आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो बस आज की सुबह 6 बजे उठा हूँ मैं, थोड़ा लेट हूँ, आधा घंटा लेट। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ वहाँ, क्योंकि आज अपना जिम का पहला दिन है, तो आज से काम शुरू। बस अब चलते हैं नीचे जिम में, तो काम शुरू करते हैं। आपको पता ही है जिम तो बिल्कुल ऊपर से उतरते ही नीचे है, ऊपर रहते हैं, नीचे जिम है। तो गाइस सब लोग इतना प्यार करते हैं ना, अभी अंदर सबसे मिला, मतलब 10 से 15 मिनट ना सबसे मिलने में लगे। सोचो कितना प्यार करते हैं, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो गाइस आज का पहला काम कर रहा हूँ इतने महीनों बाद। चलो 1 2 3 गो। वैसे यहाँ पे स्पोर्ट तो लगेगी नहीं क्योंकि बाइक खुद उठा रहे हैं। वेरी गुड, वन शाबाश, लेफ्ट से थोड़ा अच्छा रखो। चलो ये। तो गाइस मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकलने वाला हूँ अभी। एक्चुअली अरविंदर भैया है, उन्हें ना स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज उनका ऑपरेशन है, स्टोन को निकालेंगे। तो गाइस मैं ना स्वेट शर्ट चेंज करने गया था। एक्चुअली ऑरेंज वाली मैंने पहनी थी, एक ब्लॉक पहले भी पहनी थी, तो फिर क्या होता कि काफ़ी ब्लॉग्स में ऐसा हो जाता कि ऐसा कलर ना, ऐसा लगता कि पता नहीं पुराना ब्लॉग देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं। तो गाइज अपना ब्रेकफास्ट लग चुका है, ओट्स बनाना और साथ में बटर टोस्ट खा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि खा के जाऊँ ना तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ भूख लगेगी भाई, भूख मुझसे सही नहीं जाती। तो गाइज ब्रेकफास्ट डन, अब निकल रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल की तरफ। तो बॉबी मुझे छोड़ने जा रहा स्कूटी पे, क्योंकि गाड़ी में लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, वहाँ पे भी थोड़ा पार्किंग वार्किंग की दिक्कत रहती है ना। इसकी ड्राइविंग देखो तो यार, बहुत ठंड है भाई स्कूटी पे तो सुबह सुबह। तो गाइज ये रहा यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल उल्लू का। तो भैया ना फ़ोन नहीं उठा रहे थे और मेरे पास किसी का नंबर नहीं था कि कहाँ पे, तो अब जाकर कॉल उठाई उन्होंने, 10-15 मिनट ना बाहर घूमता रहा। हेलो हेलो, तो बोलो कैसे है? ठीक है, आओ ऊपर। ठीक है यार, बताओ ज़रा कौन हो आप, कौन हो? चिकू। जोर से बोलो चिकू। हाँ पूछो सबको, कैसे हैं आप? कैसा? और जोर से बोलो, कैसे हो आप? हाँ ये देखो, ये हमारे भाई जी है, तो ब्लॉग इमरान मेरे को भी है, ये हंसते खेलते बीमार है। कोई बात नहीं यार, ठीक है, कोई ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। हम कंटेंट बनाने आए आज हॉस्पिटल में, मजाक कर रहे हैं। आज देखो हमारे जीजाजी ने भी छुट्टी कर दी है, आज नहीं गए आप स्कूल? नहीं आज नहीं गए। अच्छा जी, ये भी जिम आ रहे हैं पिछले तीन चार एक साल से आ रहे हैं ये जिम। लेकिन इनको रास्ता नहीं मिला, और जिम के पास में बिल्कुल घर है, कोई दूर नहीं है, है ना? और बताओ कब आओगे? कब? अब मैं अगले महीने आऊँगा, दशहरे के बाद पक्का आऊँगा। नेक्स्ट मंथ डेट लिख लो आज सब लोग। आज हम लोगों का कार्डियो होने वाला ज़बरदस्त, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल आना होता है ना ऊपर नीचे भागना पड़ता, तो आज वैसे ही बस कभी ऊपर कभी नीचे। बस कुल्लू में अभी अंतर्राष्ट्रीय जो मेला होता है दशहरे का, वो भी शुरू होने वाला है 24 से, लेकिन उसकी तैयारियां ना अभी से शुरू हो रही है, वो आप लोगों को पूरा मेला दिखाना है 7 के 7 दिन। ये अपना कुल्लू का हॉस्पिटल है, वैसे तो मैंने आप लोगों को बैक साइड से दिखाया था, ये वाली न्यू बिल्डिंग है, जो न्यू बिल्डिंग बनी हुई है। कितना टाइम हो इसे बने हुए? अभी तो 2-1 साल। 2 साल, 2 साल हुए यार बने हुए। मेरा ना थोड़ा आना जाना कम लगा रहता ना यहाँ पे। तो गाइज बस भाई का नंबर लगा है, तो उन्हें लेकर चले गया जैसे ऑपरेशन थिएटर में। तो बाहर ना पूरी फैमिली आ रखी है, आज पापा भी कॉल किए होते भी, वो कह रहे थे कि हम भी आएंगे, मैंने कहा रहने दो आप लोग। तो विकी तो बजौरा में है, वो अभी बस गाड़ी लेने आएगा, वो गाड़ी लेके चला जाए। बाकी अभी दिखाता हूँ मैं, पूरी फैमिली वहाँ पर बैठी हुई है, ये देखो ये सारे आए हुए सब लोग हैं यहाँ पर, और भी कुछ लोग अंदर है और कुछ वहाँ बैठे हुए हैं। हेलो तो बोलो। हेलो हेलो एवरीवन। दीदी हेलो तो बोलो। ये देखो ये बड़ी माँ है हमारे, हेलो बोलो। हेलो। सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमारे मरीज भी है ना, इनको मस्त मस्त आदमी है। सर एक्साइटेड हो? बिल्कुल बिल्कुल। नर्वस तो नहीं हो रहे? शाबाश श्रेया, गुड जॉब। ओहो गाइज बाहर तो बारिश चल रही है यार। तो भाई का ऑपरेशन डन हो गया,
बस वो लोग यहाँ पे बिक्की ऊपर है, मैं निकल रहा हूँ अभी जिम की तरफ क्योंकि अपना सप्लीमेंट्स आए हुए, तो कोरियर ऑफिस जाना है क्योंकि वो कह रहे हैं कि बॉक्सेस वगैरह ज़्यादा है तो आपको खुद आना पड़ेगा कि बाइक पे नहीं आ पाएगा ये। बारिश तो तेज़ होती जा रही है यार, और ना बारिश आते ही यहाँ पे सर्दी और बढ़ गई है। राणा भाई लेने आ रहे थे ना मुझे बॉबी के साथ, तो मैं हॉस्पिटल से यहाँ आ गया 1.5 किलोमीटर, ये लोग अभी जाकर पहुँचे। ये देखो शीशा नीचे करो, शीशा पहले, सबसे पहले इतनी जल्दी क्यों है सर आप? अच्छा बारिश लगी थी, चलो अंदर आ जाओ अब क्योंकि 1:30 बज रहा है, 1:30 से 2 बजे तक, मतलब 3 बजे तक ना यहाँ पे लोग नहीं रहते, और ऊपर से साथ में आज बारिश भी है। दिन में कुछ कुछ लोग रहते हैं, जैसे 4-5 लोग चलते रहते हैं। राणा भाई वगैरह ना रूम में बैठे हैं और मुझे कॉल करके कह रहे ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ कुछ खाने के लिए। देखते क्या खा रहे हैं वो। सर क्या खा रहे हैं अब? चम बोलते सर इसको। देखो यार सुबह ये वर्कआउट करते हैं दबा के, ये इनके गुरुजी है, और दबाया देखो इनका लंच है ये। कभी कभी सर। अरे कभी कभी नहीं, कल जलेबी खाएंगे ये। चलो मैं भी थोड़ा खा ही लेता हूँ, छोड़ना चाहिए। चलो चेस गाइस। तो ये बन रहा गाइस अपना बटर चिकन। हाँ जी, तो गाइस जैसे मैं हॉस्पिटल से आया था ना, तो मैंने खाना वाना खा कर वैसे ही बैठा था मैं, तो मुझे नींद आ गई। एक्चुअली क्या हुआ, बैक में ना यार पता नहीं खिंचाव सा आ गया। वेरी नाइस। हंसो। कैसे हैं मेरे भाई? ठीक हो आप? अच्छे लग रहे हो। हेलो भाई जी, कैसे हैं? हो गया आपका वर्कआउट? चलो चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। और जी कैसे हैं भाई? ठीक हो जी। आज टीवी कर रहा है वर्कआउट। टीवी कहाँ है आपका? टीवी तो बताओ, ये भी बंद है। पूरा दिन गाइस बारिश हुई, अब देखो उधर शाम को जाके धूप निकली है। गर्मियाँ ना मुझे अच्छी लगती है भाई, सर्दियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सर्दियाँ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो इस बार ज़्यादा सर्दी ना हो, लेकिन लग तो रहा है कि बर्फबारी बहुत होगी। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, जो सप्लीमेंट अपना आना था आज वो आया हुआ है। तो एक्चुअली कोरियर ऑफिस से ना कॉल आई थी, तो उन लोगों ने कहा कि आपको खुद आना पड़ेगा सप्लीमेंट लेने। तो गाइस सामने देखो, ये देखो ये दशहरे की तैयारियां चल रही है इस बार। तो गाइस हम लोग लेट भी हो गए क्योंकि इनकी टाइमिंग होती है 5:30 बजे तक। वैसे तो मैंने बात की थी क्योंकि ट्रैफिक में फंसे थे हम थोड़ी देर, अब बंद ना हो यहाँ पे अंधेरा है। आज से नया काम शुरू करेंगे हम, ये हमारा नया बिजनेस होगा भाई। किसी को भी सामान वामान उठवाना हो तो सीट्स फोल्ड करनी पड़ेगी हम लोगों को, यार सामान ऐसे नहीं आने वाला है। निकालो निकालो, क्या हुआ? निकल नहीं रहा है भाई। इनको सबसे कितनी देर से कर रहा हूँ मैं, कैंची लाओ भाई, कैंची एक्सरसाइज करो आप अपनी। बस इसको निकाल के देखते हैं क्या इसमें प्रोटीन है। सप्लीमेंट आया है वो कुछ बजौरा ले जाएंगे ना, कुछ यहाँ पे भी क्लाइंट्स के ऑर्डर है। ठीक है, जो अपना घर बनने वाला ना उसका पूरा डिज़ाइन यही बनाने वाला है, और बहुत फेमस भी है भाई। इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है, और हमारे लिए भी टाइम नहीं निकल रहा है। चलो ठीक है, तो अभी कुछ दिनों के अंदर हम घर का काम शुरू करने वाले हैं भाई, बढ़िया डिज़ाइन बनाएंगे ये। ठीक है फिर, थैंक यू। तो भाई बस मैं निकल रहा हूँ अभी हॉस्पिटल के लिए। एक्चुअली सब लोग घर चले गए ना, तो वहाँ पे राकेश भाई है, तो उनको मैंने पूछा था कि खाने में क्या खाना है, तो भाई ने कहा कि बिरयानी खानी है, तो मुझे भी बिरयानी तो बहुत पसंद है ना जॉनी भाई, आपको पता है। हाँ जी सर, होगी? अच्छा जी, उस्ताद जी ने मेरे लिए भी बिरयानी बनाई है, ट्राई करूंगा, देखता हूँ। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ये बिरयानी यहाँ। खाना नहीं आएगा पैर के पास। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। लाओ लाओ कंबल दे दो मेरे पास, बीच में गिर ना जाओ बस। तो गाइस बस निकल गए हम हॉस्पिटल के लिए, और आज जिम में भी ज़्यादा लोग नहीं आए थे। एक्चुअली ना मौसम बहुत ठंडा हो गया है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल में फिर से। गाइस यहाँ देखो यार कितना बड़ा स्टोन था, ये इतना बड़ा स्टोन थी देखा आप लोगों ने, कितना बड़ा स्टोन था यार। कितनी बार गए थे डॉक्टर के पास? 3-3 बार रात को। हाँ 2-3 बार रात को। अच्छा यार सोचो 3-3 बार डॉक्टर के पास जा रहे थे। देख रहे हो अभी भी हम हॉस्पिटल में, अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ।
मुझे अभी जाकर एडिटिंग भी करनी है। गाइस जो भी चैनल पर अभी नए हैं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पक्का कर देना। ठीक है गाइस, चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए।